नमस्कार, बहस के नंबर वन शो ताल ठोक के में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनुराग मुस्कान। मोदी 3.0 में आज संसद सत्र का पहला दिन था। उम्मीद की जा रही थी कि सब कुछ शांतिपूर्ण ढंग से निपटेगा, क्योंकि पहले और दूसरे दिन सिर्फ सभी सांसदों को शपथ दिलाई जाती है, वही कार्यक्रम होता है। ऐसे में माना जा रहा था कि शपथ की प्रक्रिया शांतिपूर्ण ढंग से होगी। शुरुआत शांतिपूर्ण ही नजर आई, लेकिन जब प्रधानमंत्री मोदी ने सदन के बाहर संबोधन में सभी सांसदों को संसद चलाने में सहयोग की अपील की और नसीहत भी दी कि सदन में व्यवधान और हंगामा नहीं बल्कि काम होना चाहिए, लेकिन इसी दौरान उन्होंने आपातकाल को लेकर कांग्रेस पर जोरदार हमला बोला। आपको बता दें कि कल यानी के 25 जून को ही वर्ष 1975 में कांग्रेस राज में आपातकाल लगाया गया था। अब शुरुआत हुई तो संसद सत्र के पहले दिन सांसदों की शपथ के बीच विपक्ष ने भी मोदी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। प्रोटेम स्पीकर से लेकर के नीट पेपर लीक और महंगाई के मुद्दे पर फर्स्ट डे फर्स्ट शो में ही विपक्ष ने मोदी सरकार पर ताबड़तोड़ हमलों का मुंह खोल दिया। इस हमले के दौरान हथियार बना संविधान, सोनिया गांधी, राहुल गांधी से लेकर अखिलेश यादव और बाकी विपक्षी सांसदों के हाथों में आज संविधान की किताबें, संविधान की कॉपी नजर आई, और उसी के साथ उन्होंने मोदी सरकार को पहले ही दिन संदेश दे डाला कि इस बार संविधान बोलेगा, इस बार संविधान की चलेगी। संसद में प्रधानमंत्री मोदी की शपथ के बाद दूसरे सांसदों की शपथ के बीच जब धर्मेंद्र प्रधान शपथ के लिए आए तो विपक्ष ने अपने तेवर से बता दिया कि इस बार सत्र जोरदार और हंगामेदार दोनों ही हो सकता है। सवाल यह है कि संविधान को मुद्दा बनाकर के इस बार भी काम होगा या फिर सिर्फ व्यवधान होगा? क्या विवादों में ही समय बर्बाद होगा या फिर मुद्दों पर सार्थक बात भी होगी? क्या आपातकाल भी शुरुआती दिनों में बड़ा मुद्दा बनने वाला है? क्या विपक्ष इस बार सरकार पर भारी पड़ने वाला है? ठोकेंगे ऐसे ही सवालों पर ताल, लेकिन उससे पहले देख लीजिए ये रिपोर्ट। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी, जो लोकसभा का सदस्य निर्वाचित हुआ हूं, ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं संविधान का रक्षा कौन करेंगे, भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा, नरेंद्र मोदी का ताला भाई नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, और निष्ठा रखूंगा। हमारा निरंतर प्रयास रहेगा कि हर किसी की सहमति के साथ, हर किसी को साथ लेकर के मां भारती की सेवा करें। संविधान बोलेगा। आजादी के बाद दूसरी बार किसी सरकार को लगातार तीसरी बार सेवा करने के लिए देश की जनता ने अवसर दिया। जो आक्रमण प्रधानमंत्री जी, अमित शाह जी कॉन्स्टिट्यूशन पर, संविधान पे कर रहे हैं, वो हमारे लिए एक्सेप्टेबल नहीं है, वो हम होने नहीं देंगे। मोदी जी का सरकार हमेशा संविधान और नियम उसी के तहत हम लोग काम करते हैं और उसी में हम लोग बंधे हुए हैं। मकसद क्या है? संविधान के तहत पार्लियामेंट चलना चाहिए, प्राइम मिनिस्टर भी संविधान के तहत चलना चाहिए। कहाँ संविधान, कौन जी का संविधान करते हैं, कहाँ संविधान करते हैं, कौन सा संविधान बदला जा रहा? सत्ता पक्ष देश के मुद्दों को नजरअंदाज कर रही है और वहीं पर सदन की जो गरिमा है उसको भी वो पिछाड़ रही है। अच्छे दिन का इंतज़ार करते करते लोग थक गए। मुझे उम्मीद है कि आने वाले समय में खुशियों के दिन जरूर आएंगे। चलिए सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करते हैं ताल ठोक कर। किन से होंगे सवाल, पैनलिस्ट से मैं इंट्रोडक्शन करवा देता हूं। आज मेरे मेहमान हैं प्रेम शुक्ला, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता। महुआ माझी हमारे साथ होंगी, सांसद हैं आप जेएमएम से। जूही सिंह हमारे साथ होंगी, समाजवादी पार्टी की प्रवक्ता। महिमा सिंह होंगी हमारे साथ, कांग्रेस से प्रवक्ता। हमारे साथ एलजेपीआर के प्रवक्ता एके वाजपेयी साहब होंगे और हमारे साथ टीडीपी की प्रवक्ता ज्योत्सना तिरुनगरी होंगी।
सबसे पहले महिमा सिंह मैं आपका रुख किए लेता हूं कि आज हमने देखा कि पहले दिन किस तरीके से सभी के हाथों में संविधान की कॉपी थी और विपक्ष के सभी ने ये कहा एक सुर में कि भाई संविधान के हिसाब से चलना चाहिए सदन। अब तो इतनी संख्या भी नहीं है कि संविधान पर कोई संकट हो सरकार की तरफ से, तो फिर अब संविधान पर आप लोग ताल क्यों ठोक रहे हैं? जय हिंद। ये आपने अच्छा कहा कि अब तो इतनी संख्या भी नहीं है कि संविधान पर खतरा हो, बस इसी बात को याद कराने के लिए और ये चेतावनी देने के लिए कि ये भारत जो है ये विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, यही संदेश देने के लिए आज संविधान की प्रतियां जिस संविधान के ऊपर टूटकर वोट किया है भारत की जनता ने इस चुनाव में, जिस संविधान के मुद्दों के ऊपर 7 लाख से 1 लाख के मार्जिन पर ले आए नरेंद्र मोदी हमारे माननीय प्रधानमंत्री को इस देश के वोटर्स, बस वो याद दिलाने के लिए कि इस बार यहाँ नारेबाजी, रैलियों जैसा माहौल, जय श्री राम के नारे न लगा करके देश के मुद्दों पर बात की जाए। मगर अफसोस, आज भी हमने देखा कि जरूरत से ज्यादा लंबा भाषण देते हुए भी हमारे प्रधानमंत्री ने ना तो नीट के छात्रों को संबोधित किया, ना कंचनजंगा एक्सप्रेस में घायल हुए, मृत हो गए लोगों को संबोधित किया, ना इस देश के अंदर हीट वेव के अंदर आए दिन मारे जा रहे लोगों को संबोधित किया, ना 13 महीने से जल रहे मणिपुर की बात की। तो इसीलिए ये संविधान ये सुनिश्चित करता है कि इस देश के अंदर समानता हो, सभी के पास समान अधिकार हो और इन सब मुद्दों का हल वो सरकार कर्तव्य परायणता से निकाले जिसे चुन करके बैठाया गया है संसद में। और ये संसद है, ये इस देश की जनता का, इस लोकतंत्र का मंदिर है, ये किसी के छाती ठोक करके एक अकेला सब पर भारी कहने की जगह नहीं है, बस ये याद दिलाया। चलिए, आपने एक अच्छी बात अपने वक्तव्य में बोल दी कि जनता ने चुन करके जिस सरकार को बिठाया है वो जनता की कसौटी पर खरी उतरे, वरना अब तक कांग्रेस ये कहती रही कि मैंडेट सरकार के खिलाफ है, मोदी जी के खिलाफ है। बिल्कुल खिलाफ है जिन नुमाइंदों को चुन करके संसद में बिठाया है, मैंने ये कहा, दोबारा दोहरा दो। जी प्रेम शुक्ला, कई सारे मुद्दे जिस पर अपेक्षित था प्रधानमंत्री का बोलना, विपक्ष जिस पे अपेक्षा करता कि प्रधानमंत्री बोलेंगे उस पर प्रधानमंत्री नहीं बोले, इमरजेंसी पर जरूर बोले सत्र से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, लेकिन आपको याद दिला दूं कि विपक्ष लगातार ये आरोप लगाता रहा है कि पिछले 10 सालों से अघोषित इमरजेंसी ही चल रही है इस देश में। अनुराग जी, चूंकि संविधान जो है संविधान के अनुकूल ही इस देश की संसद का गठन होता है और संसद के गठन के पूर्व अगर प्रधानमंत्री जी बात करें तो संविधान का स्वाभाविक तौर पर जिक्र आएगा। और ये कौन भूल सकता है कि इस देश के संविधान को ताक पर रखने का दुष्कर्म श्रीमती इंदिरा गांधी के नेतृत्व में 25 जून 1975 को हुआ था। इससे आप सहमत है कि नहीं है? 25 जून 1975 को जो आपातकाल लगाया था इस देश के संविधान पर सबसे नृशंस प्रहार था कि नहीं था? मैं उनके लिए किसी प्रकार की शब्दावली का प्रयोग नहीं करता, लेकिन श्रीमती इंदिरा गांधी के बारे में उनके पति और सांसद स्वयं फिरोज गांधी ने उन्हें हिटलर कहा था 1959 में। भाई ये इतिहास की बातें हैं प्रेम शुक्ला, जिस पार्टी की आप बात कर रहे हैं वो सत्ता से बाहर है। अरे भाई, इतिहास की बातें कर रहे हैं जी। अब आप पूछ लीजिए प्रश्न, फिर मैं बोलूं। नहीं, मैंने तो आपको याद दिलाया कि ये आप गड़े मुर्दे उखा रहे हैं, 50 साल पुरानी हाँ, आप बात कर रहे हैं, आप इतिहास नहीं, गड़े मुर्दे नहीं है। क्योंकि इसी तरह से 2004 में जब कांग्रेस की सरकार, 145 सांसद चुने गए थे कांग्रेस के, हमारे तो 240 आज भी है, 145 सांसदों पर चुनी गई कांग्रेस की जब सत्ता का संचालन का अवसर आया तो प्रधानमंत्री पद के ऊपर जो है एक इस देश में जो है एक पद सृजित किया गया था, नेशनल एडवाइजरी काउंसिल, और जो प्रधानमंत्री के सलाहकार थे श्रीमान संजय बरुआ, उनकी पुस्तक को आपने निश्चित तौर पर पढ़ा होगा अनुराग जी, उसमें उन्होंने जिक्र किया कि प्रधानमंत्री कार्यालय की फाइलों को पुलक चटर्जी नाम के अधिकारी, सारी फाइलें वो नेशनल एडवाइजरी काउंसिल की तत्कालीन चेयरपर्सन श्रीमती सोनिया गांधी के यहाँ ले जाते थे, वहां से क्लियरेंस के बाद क्लियर होता था। मुझे बताइए, इस देश के संविधान में प्रधानमंत्री जिनको जो है एग्जीक्यूटिव में मंत्रिपरिषद का प्रमुख बनाया गया है, जिनको लोकसभा का नेता बनाया गया है, उनकी फाइलों को जो है क्लियर करने का अधिकार
किसी काउंसिल को देना संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेख है? अनुराग जी आप तो ज्ञानी है, मुझे बता दीजिए, थोड़ा मेरा अज्ञान भी दूर हो जाए। नहीं नहीं, मैं यहाँ ज्ञान देने नहीं बैठा हूँ, उसके लिए मैं आप लोगों को आमंत्रित करता हूँ। अच्छा, दूसरा एक और बिंदु, एक अन्य बिंदु, एक अन्य बिंदु अनुराग जी, इस देश के कैबिनेट ने एक बिल जो है राष्ट्रपति भवन में भेजा और मंत्रिपरिषद ने अगर कोई बिल भेजा तो जो कार्यपालिका के प्रमुख राष्ट्रपति के यहाँ भेजा, उस बिल को एक सांसद, सिर्फ सांसद, मंत्रिपरिषद के सदस्य भी नहीं, उसको फाड़कर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में फेंक देते हैं और वो बिल वापस हो जाता है। ये बताइए, संविधान का इससे बड़ा उल्लंघन, इससे बड़ी अवमानना और क्या हो सकती है? तो संविधान की नित्य अवमानना करने वालों को यह बताना हमारा दायित्व तो है कि हम संविधान के अनुकूल काम करने वाले लोग हैं, चाहे आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी का कार्यकाल रहा हो, चाहे आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का कार्यकाल हो। की अवमानना करने वाले बता रहे हैं, उसी संविधान की प्रति दिखा दिखा करके आज विपक्ष मजबूती में आ गया है। इतना उदाहरण अनुराग जी मुझे बता दीजिए ना, अनुराग जी एक उदाहरण बता दीजिए जहां हमने संविधान का पालन देना चाहती हूं। हमने इनके तीन उदाहरण बताए, तीन उदाहरण मैंने बताए, आप एक उदाहरण जो है अटल जी के कार्यकाल का, मोदी जी के कार्यकाल का, इधर भी गिना दीजिए। नहीं, मैं तो अभी अभी की बात कर रहा हूँ, इस चुनाव की बात कर रहा हूँ। महिमा सिंह अभी बता दीजिए ना मुझे, एक गिना दीजिए। मैं उत्तर दे देना चाहती हूँ कि इस देश के अंदर पिछले 10 वर्ष से जो अघोषित आपातकाल चल रहा है अनुराग जी, उसे न सिर्फ भारत देख रहा है बल्कि विश्व देख रहा है। आप आज कोई भी जो वर्ल्ड इंडेक्स हैं, डेमोक्रेसी इंडेक्सेस हैं, वो उठाकर देख लीजिए, जितने भी सूचकांक हैं जहां पर लोकतंत्र की बात हो रही है, भारत का स्थान पिछले 10 वर्ष में निम्न से निम्नतर, निम्नतर से निम्नतम होने, निम्नतम होने की कगार पर आज आकर के खड़ा हो गया है। चुनाव आयोग को लेकर के एक फैसला सर्वोच्च न्यायालय ने दिया, जिसमें ये कहा गया कि मुख्य न्यायाधीश उसके सदस्य होंगे कमेटी के, लेकिन किस तरह से इस सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय की अनदेखी की वो भी पता चलता है। किस तरह से सर्वोच्च न्यायालय ने यह भी बताया कि मणिपुर के समय पर कमेटी पर कमेटी, कमेटी पर कमेटी का जब खेल खेल रही थी ये सरकार, सर्वोच्च न्यायालय ने कहा ये सरकार तब तक कमेटी पे कमेटी बनाती है जब तक के इनके मर्जी का फैसला ना आ जाए। इस तरह की बहुत सारी टिप्पणियां हैं, किस तरह से चाहे वो अफसर हों, चाहे वो पत्रकार हों, चाहे वो इंटेलेक्चुअल्स हों, कोई शिक्षक हों, आज हम देख रहे हैं इस देश की जितनी भी निष्पक्ष आवाजें हैं उनके ऊपर पिछले 10 वर्ष से किस तरह से तलवार लटकाई गई है सत्ता की, उसको भी इस देश ने देखा। गांधी हत्या करने वाले लोग संविधान की क्या बात करते हैं, इनके अपने सांसदों ने किस तरह इनको टिकट काटने पड़े, ज्योति मिर्धा हों या फिर वो हेगड़े हों महाराष्ट्र से, जिनके टिकट काटने पड़े इस बात के, मिर्धा को तो बाद में दिया टिकट ये बोल करके कि संविधान बदलने के लिए 400 पार चाहिए। 400 पार तो हो ना सका, यहां तक कि इनको क्लियर मैंडेट भी मिल ना सका। आज जब ये बैठकर के संविधान की बात कर रहे हैं, ये हमने देखा है किस तरह से सांसदों को बर्खास्त किया गया था पिछले सत्रों के अंदर। आपने कहा कि क्या हंगामा खड़ा करेगा विपक्ष, इस बार भी क्या विपक्ष का पलड़ा भारी होगा? 2010 के वो सत्र याद कीजिए जब पूरे पूरे विंटर सेशन को वाइप आउट करना पड़ा था, पूरे वॉश आउट हो गए थे सेशंस, क्योंकि भाजपा ने संसद को, जैसे कि आज भी रैली बनाते हैं, उस समय पर भी रैली मात्र बना करके छोड़ दिया था। तो इसलिए संविधान की अनदेखी बार बार ये लोग करते हैं, लोगों के अधिकारों का दमन। इतिहास का आईना प्रेम शुक्ला, महिमा जी भी दिखा रही हैं आपको। अरे भाई साहब, एक बिंदु बताइए ना जहां संविधान का उल्लंघन हुआ। आप इनसे मुस्कुरा कर ये प्रश्न तो पूछते, मैंने तीन प्रश्न बताए, आपातकाल बताया, अब इनके बीच से बोलिए मत, इतना तो संविधान का आदर कीजिए। अरे भैया जरा आराम से, इतना व्यग्र मत होइए। मैंने तीन उदाहरण दिए, वो तो आपका एक श्रीमती गांधी का, एक श्रीमती सोनिया गांधी का, एक श्रीमान राहुल गांधी का, तीन उदाहरण दिए। अनुराग जी मुस्कुरा कर पूछ लीजिए कि किसमें मोदी जी ने कहां कर दिया उल्लंघन। एक ये कह रही है इंटरनेशनल डेमोक्रेटिक एजेंसी बता रही, कौन बता रहा भाई, उनकी क्या वैल्यू है ये मुझे बता दीजिए। भारतीय संविधान का उल्लंघन जहां पर आदरणीय अटल जी के कार्यकाल में, आदरणीय मोदी जी के कार्यकाल में हुआ, एक प्रसंग, मैंने तीन प्रसंग गिनाए, और अगर अनुराग जी मैंने गलत गिनाए हैं तो आप मेरी बात को आप चैलेंज कीजिए, गलत गिना, लेकिन आप जो अभी बताइए नोटबंदी का असंवैधानिकता क्या, भाई साहब आप भी ऐसी बहस करवा रहे हैं, इनके पास उत्तर नहीं तो कुछ भी बोले जा रही है। ये नोटबंदी असंवैधानिक था, ये नोटबंदी असंवैधानिक था, तर्क नहीं, आप मुस्कुरा कर पूछ नहीं रहे भाई साहब,
तर्क साबित नहीं होते। नोटबंदी है ना, आप पूछ रहे हैं तो मैं सवाल को दोहरा नहीं रहा हूँ। महिमा जी चाहेंगी तो उत्तर देंगी। बता दीजिए, मैं आप ही बता दीजिए। मैंने पहले संवैधानिकता, मेरा एक सीधा प्रश्न है। आप देखिए, आप व्यग्रता में पता नहीं क्यों मेरे बीच में बोल रही है, ये ठीक नहीं होता है एक दूसरे पर बोलना। चलिए मैं आगे बढ़ता हूँ। आपका किरदार है ये सिद्ध हो गया कि ये झूठ बोल रही थी, ये सब हो गया, राहुल गांधी झूठे हैं, कांग्रेस झूठी है, कांग्रेस के प्रवक्ता झूठ बोल रहे हैं, इनके पास कोई भी उदाहरण नहीं है, इसलिए कांग्रेस ही झूठे हैं। चलिए, अगर ये झूठ बोल रहे हैं तो सत्ता से बाहर भी हैं। प्रेम शुक्ला जी, महुआ माझी मेरे साथ हैं, जेएमएम से महुआ माझी मेरे साथ हैं, उनको मैं ले लेता हूँ, कुछ ही वक्त के लिए हैं, इसीलिए मैं उनका रिएक्शन लेता हूँ। महुआ माझी, हमको लग रहा था आज पूरे देश को कि शुरू के दो दिन तो कम से कम सत्र ठीक से चलेगा, क्योंकि शपथ वगैरह होंगी और सुचारू रूप से विपक्ष सदन को चलने देगा, लेकिन विपक्ष ने आज ही दिखा दिए तेवर के ये सत्र हंगामेदार हो सकता है, और जब भी सत्र हंगामेदार होता है तो इसका सीधा सीधा नुकसान जनता को होता है, टैक्स पेयर को होता है। देखिए, यहाँ विपक्ष से ज्यादा तो सत्ता पक्ष चाहती है कि न चले सदन, क्योंकि पिछले दिनों आपने देखा होगा कि किस तरह से महत्वपूर्ण बिल को विपक्ष की अनुपस्थिति में पारित करने के लिए क्या क्या नहीं किया गया। एक साथ 146 सांसदों का निलंबन, ये एक ऐतिहासिक ये दिखाया गया उस समय। और इसीलिए जब विपक्ष चाह रही है कि जब हमारी संख्या इतनी अधिक है, हमारे पास संख्या बल है, तो क्यों नहीं जो प्रोटेम स्पीकर है वो विपक्ष जो चाहती है उनके अनुरूप किया जाए। उसमें भी सत्ता पक्ष टाल मटोल कर रही है, 8 बार के सांसदों को ना बना के 7 बार के सांसद, वो लगातार 8 बार सांसद कहां रहे के जिनकी आप बात कर रही हैं, वो लगातार 8 बार सांसद नहीं रहे, बीच में 2 बार डिप हुआ है। लेकिन 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 अभी जो माननीय भर्तृहरि जी हैं वो भी लगातार 7 बार रहे थे, 6 बार के और 1 बार के, वो लगातार रहे जरूर है लेकिन दूसरे पार्टी से रहे हैं। अगर देखा जाए, अगर इस तरह की खामी तो उनमें भी खामियां हैं। अगर विपक्ष कह रही है संख्या बल है और अगर सत्ता पक्ष चाहती है कि शांति से चले पार्लियामेंट, तो क्यों नहीं वो उसकी बात मान लेती है। ऊपर से नीट का मामला आप देखिए, जिसमें हमारे देश के इतने छात्र प्रभावित हो रहे हैं, मध्यम वर्गीय छात्र जो करोड़ों का फीस देकर प्राइवेट कॉलेजेस में अपने बच्चों को डॉक्टरी पढ़ने के लिए नहीं भेज सकते हैं, जो विदेश भेजते हैं कई बार सस्ती पढ़ाई के लिए, मजबूर होकर यूक्रेन जैसे जगहों में जहां जाकर बच्चे सफर करते हैं, अगर वो बच्चे अपनी तैयारी करते हैं, मेहनत करते हैं, पूरा परिवार उसके लिए सैक्रिफाइस करता है, और जब वो एग्जाम देते हैं तो उसमें इतनी बड़ी धांधली, आखिर शिक्षा में आप काम नहीं कर सकते हैं। आप चारों तरफ कहते हैं हम भ्रष्टाचार नहीं करेंगे, चारों तरफ भ्रष्टाचार है, बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ है, आप कर क्या रहे हैं? आप रेल मंत्रालय नहीं संभाल पा रहे हैं, 9 तीर्थयात्रियों की मौत हो जाती है, बंगाल में रेल दुर्घटना हो जाता है, और भी कई जगहों पर इस तरह की घटनाएं लगातार दूर आ जा रही है। आप क्या कर रहे हैं? रेल मंत्री मान लीजिए आप उनको रिपीट भी कर रहे हैं, तो इतने अपने कार्यकाल में आप कहां पर सफल हैं? फिर आप कहते हैं कि नहीं हम अपनी सरकार बनाएंगे, हम काम करेंगे। आप आपात अघोषित आपातकाल आप तो लगा ही रखे हैं, झारखंड जैसे राज्य इसके लिए सफर कर रहा है। मैं आपको याद दिला दूं महुआ, आपने प्रोटेम स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का जिक्र किया, आपने जिक्र किया, मैं भी यही चाहता हूं कि भाई जो विपक्ष चाहता है वो होना चाहिए, लेकिन आपको अगर 1984 और 85 याद हो, जब कांग्रेस की लहर थी, जब राजीव गांधी प्रधानमंत्री बने थे और भरपूर सीटें थी इनके पास, आपको याद होगा कि तब भी विपक्ष से कोई प्रोटेम स्पीकर या डिप्टी स्पीकर नहीं बनाया था। इतना बड़ा संख्या बल होने के बाद कांग्रेस ने भी यही काम किया था, आपको याद है? देखिए कुछ गलतियां थी पिछले दिनों की, जिसकी वजह से जनता ने इनको भेजा है ना, ये 10 साल से जनता इनको चुनकर भेज रही है कि दोबारा इस तरह की गलतियां ना हो। अगर आप उसी को रिपीट करेंगे तो जनता आपको भी वही रास्ता दिखा देगी। ये तो जनतंत्र है, आप जनता के साथ चलेंगे कि आप पुरानी गलतियों को दोहराने की कोशिश करेंगे, ये तो देश के साथ न्याय नहीं है। आपको समझ के चलना पड़ेगा। और इस बार मुझे लगता है कि हंगामा इसलिए होगा कि आप मणिपुर पर बात नहीं कर रहे हैं, आपने नौकरी देने की बात की वो नहीं की, गरीबी दूर करने की बात की वो भी नहीं, उल्टा जो गरीब अपने पैसे से मेहनत करके जो तैयारी कर रहा है एग्जाम का, आपने UGC नेट के एग्जाम को क्यों रद्द किया? आप निश्चित रूप से उसमें भी कोई धांधली होगी, उसमें भी कोई गड़बड़ी होगी, तो आप जनता के सामने बातों को रखते नहीं है, आप नोटबंदी थोप देते हैं, जीएसटी के पैसे आप झारखंड जैसे गरीब राज्य को नहीं दे रहे हैं, 1,36,000 करोड़ रुपए आप कोयले की रॉयल्टी का नहीं दे रहे हैं, आप बिजली की कटौती कर दे रहे हैं,
जहां भी भाजपा की सरकार नहीं है उन राज्यों को अब तंग कर रहे हैं, उनके मुख्यमंत्री, उनके लोकप्रिय नेताओं। ठीक है महुआ जी, मैं लौटूंगा आपके पास। महुआ जी, मैं लौटूंगा। ए के वाजपेयी साहब, महुआ जी कह रही हैं कि भारतीय जनता पार्टी यानी एनडीए चाहता है कि हंगामा हो और सत्र सुचारू रूप से न चले, विपक्ष की इसमें कोई भूमिका नहीं है। देखिए, अभी हमारे साथी प्रेम शुक्ला जी ने बार बार कहा और बार बार ये विपक्ष के प्रवक्ता बैठे हैं, सांसद भी बैठे हैं, कि एक उदाहरण तो बताओ ना कि कौन सा संविधान का कौन सा प्रोविजन, कौन सा आर्टिकल हमने उल्लंघन किया है। तो इधर से एक महिमा सिंह जी का जवाब जरूर आया कि नोटबंदी असंवैधानिक है। महिमा सिंह जी, आप तो खुद एडवोकेट ने, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था? असंवैधानिक तो डिक्लेयर नहीं किया, असंवैधानिक कोर्ट ही डिक्लेयर करता है। कोई भी कानून बनेगा या कोई भी सरकार का एक्शन होगा, प्लीज अंडरस्टैंड, वो कोर्ट को अधिकार है कि वो उसको कहे कि असंवैधानिक है या सेटिसाइड करे या अल्ट्रा वायरस डिक्लेयर करे। आप एक उदाहरण नहीं दे पाए 10 सालों में कि कौन सा ऐसा कार्यक्रम किया मोदी सरकार ने जिसे आप कहते हैं कि ये संविधान की मर्यादाओं का उल्लंघन करता है। अभी दूसरी बात करें कि अघोषित इमरजेंसी है। अघोषित इमरजेंसी क्या होती है? इमरजेंसी तो डिक्लेयर करनी पड़ती है, जो इन्होंने की थी 25 जून 1975 को, जब इंडियन एक्सप्रेस के अखबार के दफ्तर की बिजली काट दिया जाती थी, कम से कम 1.5 लाख लोगों को जेल में डाला गया था। अघोषित इमरजेंसी कोई नाम की चीज नहीं होती, डिक्लेयर करके करनी पड़ती है। क्या हमने इमरजेंसी डिक्लेयर की है? बिल्कुल नहीं। सिर्फ और सिर्फ देश की जनता की सेवा करना, और कोई भी सरकार हो, कांग्रेस की सरकार ने तो तोड़ा है संविधान, लेकिन सरकार बाउंड है संविधान से चलने के लिए, और ये सरकार पूरी ईमानदारी से, पूरी स्प्रिट से, पूरी संवेदनशीलता से गरीब गुरबा समाज के लिए काम कर रही है, देश को आगे बढ़ने के लिए काम कर रही है। खाम खाम आरोप न लगाइए, खाम खाम के ड्रामे ना कीजिए कि संविधान हमने हाथ में ले लिया है, संविधान को रक्षा करनी है, संविधान रक्षा हम कर, अगर उसको हम ब्रेक करें किसी भी एंगल से तब उस पर सवाल उठा सकते हो आप। लेकिन इस तरह से संसद अगर आप नहीं चलने देंगे, जो आज पहले दिन आपने करके दिखाया है, तो आगे क्या करोगे? क्या उम्मीद रखी आपको? मोदी जी ने आज कहा, बिल्कुल सही बात कही उनको, मैं उनकी बात के साथ पूरे तत्परता से समर्थन करता हूं कि देश ने विपक्ष को मौका दिया है और उनको अधिकार दिया है कि लोकतंत्र में जो विपक्ष का धर्म है उसको निभाइए। लेकिन हमें नहीं लगता कि आज ऐसा आपका माहौल रहा है। हाँ, करिए, चर्चा करिए ना, चर्चा के लिए बना हुआ संसद। कंस्ट्रक्टिव विपक्ष का रोल निभाना पड़ेगा। अगर हमारी नीतियों में कोई कमी आ रही है, कोई पॉलिसी में, डिसीजन में कोई दिक्कत आ रही है, उसको आप पॉइंट आउट करिए कि सर इसको ऐसे न करके इसको ऐसे करिए, इसीलिए संसद बनी हुई है। लेकिन खाम खाम आरोप लगाना, जनता इसको माफ नहीं करेगी। लगता है ऐसा है कि ये आरोप बिल्कुल ही एक सिरे से हम लोग खारिज करते हैं, और आगे ये इस बात की पूरी तरीके से वचनबद्ध है प्रधानमंत्री मोदी, एनडीए की सरकार जी, के गरीब गुरबा के लिए काम करेगी। क्या 370 हटाना असंवैधानिक था? अनुराग जी, मुझे उत्तर, क्या प्रधानमंत्री सम्मान निधि जो हम पैसा देते हैं असंवैधानिक है? क्या मुफ्त जो राशन की व्यवस्था करते हैं वो असंवैधानिक? हम कह रहे हैं एक एग्जाम्पल तो बताइए ना। ठीक है वाजपेयी जी, अभी दो गेस्ट हैं, जूही सिंह और ज्योत्सना जी हैं, जो बोली नहीं है, मैं उनको भी मौका दूंगा, लेकिन एक जवाब महिमा सिंह जी से जरूर ले लेता हूं। महिमा जी, क्या मतलब 2014 से 19 तक विपक्ष ने संसद नहीं चलने दी, 19 से 24 तक नहीं चलने दी और सीटें बढ़ गई, तो कहीं अब ये एक सुपरस्टिशन तो नहीं आ गया कि भाई हम संसद नहीं चलने देंगे तो सीटें बढ़ जाएंगी हमारी अगली बार? अनुराग जी, मैं बड़ी शुक्रगुजार हूँ इस बात के लिए कि अभी जो एलजेपी के प्रवक्ता बोल रहे थे, उन्होंने ये बड़ा खूब कहा कि सर्वोच्च न्यायालय घोषित करता है असंवैधानिक, और सर्वोच्च न्यायालय ने अघोषित किया असंवैधानिक इलेक्टोरल बॉन्ड्स को। इतना बड़ा खिलवाड़ जो इस देश के साथ किया गया, जो विश्व का सबसे बड़ा घोटाला इलेक्टोरल बॉन्ड्स का इस सरकार ने किया इस देश के साथ, वो असंवैधानिक, ये शब्द लिखा सर्वोच्च न्यायालय ने। अब कहिए कि एक चीज बताइए, ये तो वो है जो साबित हो गया। उसके अलावा नोटबंदी के बारे में जस्टिस बीवी नागरत्ना जो डिसेंटिंग जज थी उस जजमेंट की, बाद में कहीं बोलते हुए उन्होंने ये कहा कि क्यों ना माना जाए कि ये ब्लैक को व्हाइट में कन्वर्ट करने की स्कीम थी नोटबंदी। वो भले ही मेजॉरिटी जजमेंट थी नोटबंदी के ऊपर, जो कि बाद में आई, बहुत साल के बाद आई। इसी प्रकार से जीएसटी को लेकर के बड़े असंवैधानिक तरीके से अमेंडमेंट किया गया। इसी प्रकार से दो दो बार संसद का उद्घाटन होता है, लेकिन उसमें राष्ट्रपति महोदया नहीं दिखाई देती, जिनको दिखाने के लिए एक आदिवासी महिला राष्ट्रपति देश का बना करके बैठा दिया है।
लेकिन उनको जो सम्मान मिलना चाहिए वो सम्मान नहीं दिया जाता। और जो बात पहले आ चुकी है कि इतने सारे सांसदों को बर्खास्त कर देते हैं बिना कारण के, अब वहां से मूर्तियां हटा रहे हैं ताकि वहां पर विरोध प्रदर्शन भी ना हो सके। और जैसा कि हमारे नेता बार बार बोलते हैं, एक तिहाई प्रधानमंत्री है, एक तिहाई सरकार है, ये सिर्फ अपने दिन गिनते रहे, कितने दिन है इनके इस संसद सत्र के अंदर, इस संसद भवन के अंदर आने वाले चंद महीनों के अंदर, क्योंकि ये अपने जो गठबंधन के साथी हैं उन्हें भी साथ नहीं रख पाएंगे। संविधान की रक्षा तो इनके बस की है ही नहीं, इन्हें गठबंधन धर्म भी नहीं आता। अनुराग जी, भैया जेडीयू से कोई नहीं है लेकिन हमारे पास टीडीपी से है, तो उनकी गारंटी मैं आपको दिलवा देता हूं कि वो कहीं नहीं जाने वाले हैं। ज्योत्सना, आप कई बार कह चुकी हैं कि सरकार पर कोई संकट नहीं है, लेकिन महिमा जी अब भी कह रही हैं कि संसद में कितने दिन सरकार के बचे हैं, उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। अब सपने देखना उनका हक है, देखने दीजिए, मैं तो उसको ना नहीं बोलूंगी। अनुराग जी, पहले तो मैं आपके माध्यम से जितने भी सांसद आज उन्होंने प्रमाण स्वीकार करा सबको मेरा बधाई और शुभकामनाएं। आई थिंक वो पहले बोलना चाहिए हम लोगों को। आज हमारे भारत देश का एटींथ लोकसभा जो है, आज जो हम लोगों ने यहाँ पे वी हैव सीन, मतलब प्रधानमंत्री जी से लेके मिनिस्टर्स से लेके बाकी एक दो राष्ट्र के जो MPs हैं जिन्होंने आज शपथ ग्रहण किया, सबको हम हमारी तरफ से, तेलुगुदेशम पार्टी की तरफ से हमारे शुभकामनाएं और बधाई जी। यहाँ पे मेरा एक बहुत तब से मेरे दिमाग में एक डाउट बहुत स्ट्रांगली आ रहा है। अनुराग जी, ये लोग आज संविधान की एक कॉपी पकड़ के निकले, कॉपी पकड़ के हम लोग बैठेंगे लोकसभा में, यही बोले थे ना अनुराग जी? जी जी। अब मुझे ये डाउट है, अगर संविधान आपके हाथ में है आपको इतना तो गौरव संविधान को भी देना चाहिए कि आज जब वहां पे एक एक सांसद वहां पे मतलब प्रमाण स्वीकार कर रहे हैं तो आप उनकी कम से कम उनकी इतनी तो इज्जत करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? वही तो संविधान का गौरव देना है। आई थिंक व्हाई डिड द मिसेक, मुझे ये तो बात समझ में नहीं आया अनुराग जी। जैसे कि धर्मेंद्र प्रधान जी वहां पे वोट ले रहे थे, इन लोगों ने वहां पे नारे लगाना शुरू कर दिया। मोदी जी वोट ले रहे थे, नारे लगाना शुरू कर दिया, ये रहता है क्या? ये है संविधान के प्रति आपका गौरव, ये है क्या? मुझे तो ये तो समझ में ही नहीं आया। और एक और बात, आई थिंक मेरे ख्याल से कोई विपक्ष के ही कोई गट से अभी एक पैनलिस्ट ने ये बोला था कि क्या बोलते हैं, विपक्ष की हर बात माननी चाहिए। कोई जबरदस्ती है सर? अनुराग जी आप मुझे बोलिए जी, महिमा माझी ने बोला था, महिमा माझी ने मान ले, ऐसी कोई जबरदस्ती है? हाँ तो ऐसी कोई जबरदस्ती है क्या? महुआ माझी, हम लोग डेमोक्रेसी में हैं। अगर आप कुछ भी कंस्ट्रक्टिव अगर आपका ऑपोजिशन रहेगा हम लोग आपकी हर बात मानेंगे। मगर ये तो आज आपने शुरुआत ही डिस्ट्रक्शन से किया। वहां जब शपथ ले रहे, ओथ टेकिंग सेरेमनी वहां हो रहा है और वहां पे बैठ के आप नारेबाजी करोगे, ये है संविधान के प्रति आपका गौरव? कम से कम शुभकामनाएं तो दो, शुभकामनाएं बधाई ये तो दो। मैं तो बोल रही हूं यहां पर टीडीपी की तरफ से, जितने भी सांसद आज ओथ टेकिंग सेरेमनी में हैं और कल भी रहेंगे, सबको टीडीपी की तरफ से हमारे शुभकामनाएं और बधाई, एनडीए की तरफ से शुभकामनाएं बधाई, इतना तो बनता ही है जी। चलिए, मतलब मैं ज्योत्सना आपके पास लौटूंगा, मैं महिमा जी आपके पास भी आऊंगा, प्रेम जी आपके पास भी आऊंगा, लेकिन उससे पहले जी अच्छा बोल लीजिए, आपको कुछ बोलना है ज्योत्सना जी? मैं एक ही चीज बोल रही थी कि हाँ, एक चीज बहुत क्लियर हो गया, ये कंस्ट्रक्टिव ऑपोजिशन नहीं है ये लोग, ये बिल्कुल आने वाले दिनों में ये साबित करना चाह रहे हैं कि हम लोग डिस्ट्रक्टिव ऑपोजिशन है, हम लोग हर जगह ऐसे ही करेंगे। एक छोटा सा उत्तर देने दीजिए अनुराग जी मुझे। अच्छा महिमा जी दे लीजिए छोटा सा उत्तर, फिर मैं जूही जी के पास जाऊँ। छोटा सा उत्तर दूंगी कि कसम देकर उन्हें ये पूछ लो, तुम रंग ढंग उसके, तुम्हारी बज्म में कुछ दोस्त भी दुश्मन के बैठे हैं। टीडीपी की प्रवक्ता को मैं ये याद दिला दूं, पिछली बार कैसे छोड़ना पड़ा था गठबंधन, जब पीठ में छुरा घोपा था भाजपा ने, 4% का मुस्लिम रिजर्वेशन टीडीपी ने घोषित किया है आंध्र प्रदेश के अंदर। अब देखना ये होगा, रिजर्वेशन का झूठा आरोप कांग्रेस पे लगाने वाली भाजपा क्या टीडीपी के साथ ये जो 4% का मुस्लिम रिजर्वेशन आंध्र
आंध्र प्रदेश में मिलने जा रहा है उसमें साथ खड़ी होगी, क्योंकि मुस्लिम रिजर्वेशन को तो चुनावी मुद्दा भाजपा ने ही बनाया था, हमारे मैनिफेस्टो में तो कहीं था नहीं, पहली बात। और दूसरी बात ये, भाजपा अपने गठबंधन के साथियों के साथ क्या करती है उसका सबूत है पीडीपी, हरियाणा में जेजेपी और ऐसे न जाने कितने, जिस जिसके साथ हाथ मिलाया उसे उसकी पीठ में छुरा घोंपा। इसलिए मैंने हम सवाल पूछना चाहें तो फ्रेम से भी उड़ा देंगे। नहीं, प्रेम शुक्ला जी बोलिए, प्रेम शुक्ला जी बोलिए, बात बोलो जी। अनुराग जी देखिए, अब मैं जरा एक महिमा सिंह, अच्छा प्रेम जी एक सेकंड रुक जाइए, सीधे सीधे क्योंकि हमला ज्योत्सना जी पर किया गया है तो एक रिएक्शन छोटा सा उनका ले लेते फिर आपके पास आते हैं। जुई जी माफी चाहता हूँ, मैं आ रहा हूँ। मुझे ये समझ में नहीं आया, महिमा जी बहुत कैटेगरिकली बोल रहे हैं, मगर आज जो जो पार्टी कांग्रेस से थी आज वो लोग कहाँ पे? और दूसरी बात, आप बोलते हो कि हम एलियंस में है, केरल में आप अलग अलग कंटेस्ट करते हो, दिल्ली में आपका क्या रवैया है, आपका स्टैंड क्या है किसी को भी नहीं पता। और रही बात पीडीपी और बीजेपी के बीच के संबंध की बात रही है तो हम मुद्दों के ऊपर उनसे डिफर करके बाहर गए हैं महिमा जी, हमारी कोई आइडियोलॉजिकल डिफरेंस नहीं है उन लोगों के साथ, ये पहली बार नहीं है, तीसरी बार है, हम एनडीए में अलायंस पार्टनर है और हमारा बहुत बहुत स्ट्रांग गठबंधन है, चिंता न करें पीडीपी के बारे में, आप चिंता न करें, देखना पीडीपी को है, भाजपा टीडीपी का क्या हश्र करने जा रही है, बिल्कुल महिमा जी आप एक बार आप दिल्ली की बात कर लो, केरल की बात कर लो, ये तो बात कर लो महिमा जी, मेरी बात एक ही थी, संविधान के प्रति आपका गौरव, संविधान के प्रति आप क्या ये देते हो, गौरव देते हो, रेस्पेक्ट देते हो, वही मैंने पूछा और कुछ भी मैंने नहीं पूछा महिमा जी, खाली ये पूछा कि आप संविधान के प्रति अपने आप में तो आप क्या क्या आज प्रूफ करना चाह रहे थे, संविधान के प्रति आपके हाथ में था आज क्या प्रूफ करना चाह रहे थे, आप क्या प्रूफ करना चाह रहे थे महिमा जी, आप संविधान के प्रति आपके हाथ में था, कम से कम एक एक सदस्य एक सांसद वहां पे वोट सेरेमनी ले रहे थे, कम से कम आपके पास इतना भी टाइम नहीं था, इतना भी आप गौरव इज्जत नहीं दे पाए कि उनको अपना वोट चेकिंग सेरेमनी कंप्लीट करने दे। धर्मेंद्र प्रधान की बात कर रही हूँ मैं, मोदी जी की बात कर रही हूँ, आप ऐसा क्यों करें, वही मेरा प्रश्न है, साफ सीधा प्रश्न है महिमा जी। ठीक है प्रेम शुक्ला जी, सीधे सीधे कांग्रेस एक तरीके से डरा रही है टीडीपी को कि आपको नहीं पता भारतीय जनता पार्टी आने वाले टाइम में टीडीपी का क्या हश्र करने वाली है, क्या हश्र करेंगे भाई आप लोग? देखिए भारतीय जनता पार्टी तो अपने गठबंधन के साथियों का सम्मान करती है, लेकिन कांग्रेस जो द्रविड़ मुन्नेत्र कजगम को जो है राजीव गांधी के हत्यारों का संरक्षक कहती थी, राजीव गांधी के हत्यारों से जिसने अपने पति के हत्यारों से हाथ मिला लिया, उससे अधिक जो है कौन कर सकता है दोहरा मानदंड, मुझे कृपा करके बताइएगा। समाजवादी पार्टी के आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी को प्रताड़ित करने का जो ये दशा किया गया, देखिए मैं बीच में नहीं बोल रहा था ना, ये अभद्रता मत कराइए भाई, अनुराग जी जरा कहिए कांग्रेस के प्रमुख, बोलिए बोलिए आप बोलिए, आप बोलिए, संक्षिप्त रखिएगा, अभी जूही सिंह कुछ नहीं बोली है, उनका सम्मान रखिएगा थोड़ा सा, संक्षिप्त रखिए। चार बार आप कांग्रेस के प्रवक्ता से बुलवा रहे हैं, एक बार हमसे भी, हमको भी बुलवा बोल लेने दीजिए एक आध मिनट। देखिए जो है समाजवादी पार्टी के आदरणीय मुलायम सिंह यादव का अभिमान, और अभी विधानसभा चुनाव मध्य प्रदेश के दौरान अखिलेश आदरणीय अखिलेश को यही कह रहे थे, अभी तृणमूल कांग्रेस पार्टी की अध्यक्षा सुश्री ममता बनर्जी चुनाव के समय कांग्रेस को भाजपा के हाथों में बिका हुआ खिलौना कह रही थी, आम आदमी पार्टी से आपका समझौता था, चुनाव खत्म होते ही टूट गया, और ऐसा उदाहरण मैं सारे दलों के साथ कांग्रेस के रिश्तों का मैं बता सकता हूं। तो कांग्रेस कम से कम जो है गठबंधन धर्म पर पाठ जब पढ़ाती है तो लोगों को हास्यास्पद लगता है, ये साफ तौर पर दिखाई देता है। तो महिमा जी कृपा करके कांग्रेस का गठबंधन के साथियों को ठगने की महिमा का अध्ययन कर ले। प्रेम शुक्ला जी ने बड़ा अच्छा सा समअप किया, मैं महिमा जी इसके लिए आपके पास आऊंगा, लेकिन उससे पहले जूही सिंह जी आपके पास, मैंने देखा कि आज अखिलेश यादव ने क्या कहा, उन्होंने कहा कि भाई हम इतने 10 सालों से अच्छे दिनों का इंतजार कर रहे थे, अच्छे दिन नहीं आए, आप 5 से 37 हो गए और कितने अच्छे दिन और चाहिए आपको। अनुराग जी ये सही बात है, समाजवादी पार्टी लोकसभा में तीसरी बड़ी पार्टी है, 37 सांसद है हमारे और उत्तर प्रदेश से हम जीते हैं, हम वो पार्टी है जिसने भारतीय जनता पार्टी को अयोध्या, श्रावस्ती, चित्रकूट, बलिया, सलेमपुर, गाजीपुर सभी में हराया है, और इनका जो एक मार्जिन है चाहे वो बड़े बड़े मंत्री हो, प्रधानमंत्री हो, बहुत कम हुआ है। तो समाजवादी पार्टी संविधान
का आदर सम्मान करती है, संसद का आधार ही संविधान है। तो इतना बड़ा गुनाह हो गया अगर हम संसद में संविधान लेकर चले गए। पहले भारतीय जनता पार्टी की सरकार, या मैं कहूं जब से यह बहु आई है, कितने पेपर लीक हुए हैं, नीट का पेपर, नीट यूजीसी, नीट पीजी, आपने यूजीसी सीएसआईआर, आपने यूजीसी नेट रियत किया। और पहले यह बताएं कि जो नेट एजेंसी है जो ये इम्तहान कराती है, आपने कुछ आईएएस अफसरों को तो इधर उधर कर दिया, उसको नियुक्ति जो हेड कर रहा है उस व्यक्ति की क्या क्वालिफिकेशन है। जब हम संविधान की बात करते हैं तो हम सामाजिक न्याय, हम अधिकार की बात करते हैं इन लेटर एंड स्पिरिट। तो इन स्पिरिट ये सही बात है कि हमने घोषित आपातकाल का भी विरोध किया था, और जो अघोषित आपातकाल है जो पिछले 10 साल से चल रहा है, जिससे फेसबुक पर कुछ लिखने से आप लोगों पर मुकदमा कायम कर देते हैं, आप लोगों को जेल में डाल देते हैं, आप विपक्ष की पार्टियों के जो कार्यकर्ता हैं उन पर फर्जी मुकदमे लगाते हैं, और इलेक्टोरल बॉन्ड्स पे जरूर किसी मेरी मित्र ने नहीं, फेसबुक पर कुछ लिखने से जब ममता बनर्जी जेल में डालती है तब जूही सिंह आप कुछ नहीं कहती। मैं हमेशा कहती हूँ, मणिपुर भी मैं बोलती हूँ, मणिपुर पे भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री क्यों चुप रहते हैं जब वो जल रहा था, वहां औरतों के कपड़े खींचकर उनको नंगा घुमाया जा रहा था, जब वहां पर पूरा इंटरनेट बंद कर दिया गया था, तो क्या वो संवैधानिक था या असंवैधानिक था? और क्या आपने कोई एक्शन लिया? धर्मेंद्र प्रधान के खिलाफ नारे से बड़ा दुख होता है, लेकिन 24 लाख हमारे नारे से दुख नहीं था, उनका कहना था संविधान के प्रति हाथ में लेकर के आप लोग कर रहे थे, उनकी आपत्ति इस बात पर थी, उनको दुख था। हाँ, अरे तो हाँ, तो ये बताएं ना कि जब पुलिस भर्ती में उत्तर प्रदेश में 2017 से सारी नियुक्तियां लीक हो रही हैं, रद्द हो रही हैं, आरक्षण मिल नहीं रहा है, और एक कंपनी को गुजरात की आपने ठेका दे दिया, उसके बाद जांच के बहाने उसके मालिक को बाहर भगा दिया, इस पर दुख नहीं होता है टीडीपी को? ये सहयोगी है तो ये जवाब तो देने पड़ेंगे, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना। तो आप कॉन्स्टिट्यूशन को थोड़ा समझिए, और संविधान तो हमारा गर्व है, हम बिल्कुल लेकर जाएंगे, उसके बिना पर हम प्रश्न पूछेंगे। आपातकाल अघोषित हो, घोषित हो, यहाँ पर कोई आपने अभी वाजपेयी जी बोल रहे थे तो सर ये कोर्ट नहीं है, और अगर कोर्ट लगाना है तो बताइए इलेक्टोरल बॉन्ड्स पे आपका क्या जवाब है? सबसे बड़ा भ्रष्टाचार है, आपने इसके बेसिस पर पैसे इकट्ठे किए, और आप कह रहे हैं नोटबंदी असंवैधानिक नहीं है, कोर्ट उसको घोषित करेगा। नोटबंदी में जो लोग मरे, लाइन में जो लोग लगे, लेकिन काला धन कम नहीं हुआ, आतंकवाद कम नहीं हुआ, अभी एक आतंकी हमला हुआ है ना आपकी सरकार आने के बाद, उस पर कुछ बोल दिया भाई। लेकिन मैं मानता हूं आप सही कह रहे हैं जूही सिंह जी, लेकिन नोटबंदी 2019 में फेल हो चुकी है ना, विपक्ष ने जब इसको मुद्दा बनाया था तो ये मुद्दा ही फेल हो चुका है 2019। अनुराग जी ये बता, नहीं नहीं अनुराग जी एक और बात है ना, चुनी हुई सरकारों को गिराना, खरीद फरोख्त, क्या भारतीय जनता पार्टी इस पर कुछ एक्सप्लेनेशन देगी? चाहे महाराष्ट्र हो, मध्य प्रदेश में कोविड के बीच में आपने शपथ दिलाई, कोविड में आपने बंद कर दिया सब कुछ, और वैक्सीन बड़ा प्रश्न है, इस पर भी बता दीजिए कि कितना चंदा वहां से लिया और उस पर आपका क्या खुलासा है। तो प्रधानमंत्री अब ग्लोबल बातें बोलना बंद कर दे, विपक्ष प्रश्न करेगा, तथ्यों पर आपको जवाब देना पड़ेगा, यही संविधान है और यही लोकतंत्र है, और जब ये कर लेंगे तब सांसदों को बड़े प्यार से आप जरूर शुभकामनाएं दीजिएगा, चुने हुए सांसद है वो भी आपको शुभकामनाएं देते हैं। जी ठीक है, ठीक है, मैं प्रेम शुक्ला आपके पास आऊं, उससे पहले ज्योत्सना कुछ कहना चाह रही है, ज्योत्सना बोलिए। नहीं, एक ही मैं क्लैरिफिकेशन देना चाह रही थी अनुराग सर, हमें कोई आपत्ति नहीं है, हमें कोई एतराज नहीं है कि आप संविधान लेके गए, हमें कोई आपत्ति और एतराज इस बात की नहीं है, हमें आपत्ति और एतराज इस बात का है। बात से तो यही लग रहा था मैम, संविधान का गौरव नहीं करें, आपकी बात से तो यही लग रहा था। नहीं नहीं, आप समझने में आप गलती करें, बात ये आप और बोल चुकी हैं, जूही जी जूही जी, नहीं मैं बोलूंगी, मैं ये बोली थी कि आप संविधान का गौरव से बड़ी पार्टी, आप संविधान का गौरव करो, समाजवादी पार्टी सांसद वहां पे, सांसद वहां पे, आपको भी सुनना चाहिए, संविधान पे हो टेकिंग सेरेमनी रहे, आप नारेबाजी लगा रहे हो वहां पे, सुनिए वो संविधान आपको बोलता है, संविधान आपको ये हक देता है कि आप वहां पे नारेबाजी लगा, जब आप चेकिंग सेरेमनी हो रहा है, संविधान आपको ये देता है क्या, ये हक देता है क्या? जूही जी आप ये बात तो बता दो, संविधान आपको ये हक देता है क्या? हम भी भारतीय हैं, संविधान आपको ये हक देता है कि नारेबाजी नारेबाजी करो वहां पे, जब सांसद हो आप चेकिंग सेरेमनी में, अगर आप न्याय करेंगे, अगर आप अगर धर्मेंद्र प्रधान ये कहेंगे कि नीट की परीक्षा लीक नहीं हुई तो बिल्कुल करूंगी मैं, क्योंकि वहां पर मेरे अभ्यर्थियों, मेरे लोगों, तो लोग मुझे चुनते हैं, अधिकार की बात है, समझ लीजिए जो की बात है,
दोनों की आपत्तियां अपनी अपनी जगह है, दोनों की आपत्तियां प्रेम शुक्ला, लेकिन विपक्ष के तेवर बहुत कड़े हैं। इससे लग रहा है कि संसद का सत्र जो है हंगामेदार रहने वाला है और सरकार को काम करना मुश्किल हो जाएगा, जवाब देना पड़ेगा अगर काम करना है तो। विपक्ष का साफ तेवर यह बता रहा है, हम हर प्रश्न का जवाब देते हैं, वो हंगामा करने की बजाय शुद्ध बहस करें, हम उनका स्वागत करेंगे। और बहुत अच्छा लगा कि आदरणीय जूही सिंह जो समाजवादी पार्टी की प्रवक्ता हैं, उनको जो है नकल के विरोध में, पेपर लीक के विरोध में बोलते हुए सुना। नकल विरोधी अध्यादेश को समाप्त करके चुनाव जीतने वाले मुलायम सिंह यादव की पार्टी ये बातें कर रही, बहुत बोल लीजिए। प्रेम जी को अपना पक्ष रख लेने देते, वो आपके बीच में नहीं बोले थे। जूही जी, अरे इतना मैं तो आपको सुन रहा था, बीच में बोल ही रहे और कुछ बोल ये है। आपकी व्यग्रता बता रही है कि आपको जो है सही जगह पर ब्रेक हुआ, समझ लीजिए, सही जगह सही बिंदु पर छुआ, सुल्तानपुर हारे हैं, सही बिंदु पर जो बसन में हारे हैं, आदरणीय सुल्तानपुर के हैं ना, सुल्तानपुर हारे हैं ना, सुन लीजिए भाई, सुन लीजिए, मैं जानता हूँ आप अंबेडकर नगर की है भाई, मैं भी जानता हूँ आप अंबेडकर नगर की है, मैं जानता हूँ आपका पार्टी अंबेडकर नगर का है, आपकी ससुराल बलिया की है, ये भी मैं भी जानता हूँ जी, ठीक है तो, अब इस जी जी तो हमारे तो नहीं है ना, अंबेडकर नगर ना बलिया हमारे नहीं है, मेरा व्यक्तिगत परिचय देने से कुछ नहीं होगा, आप तो अयोध्या भी हारे, सुल्तानपुर भी हारे, ऐसा भी हारे थे, अभी पिछले चुनाव में हारे थे, जब बहुमत से श्रावस्ती भी हारे, सिर्फ 5 सीट पर रह गए थे, दो चुनाव में सिर्फ 5 सीट पर रह गए थे, सिर्फ 5 ही सीट पर रह गए थे जूही जी, अभी दो चुनाव 14-19 5 ही सीट पर, बुलबुलाहट अच्छी, ठीक है प्रेम शुक्ला से जवाब ले लेते हैं, जूही जी उनको बोल लेने देते हैं, संविधान की इज्जत करिए जी, अरे बोल तो रहे ही है तब से, देखिए ऐसा है, अब नकल विरोधी अध्यादेश का नाम लेते हैं जूही जी भयंकर नाराज हुई, अब श्रीमान अखिलेश सिंह यादव के कार्यकर्ता इनके जो है प्रदेश इनके 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 लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष अनिल यादव को क्यों बर्खास्त किया था, इनको याद कर लीजिए, लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष प्रदेश लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष अनिल यादव को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने क्यों बर्खास्त किया, तो सिर्फ याद कर लीजिए, याद कर लीजिए विजय बहादुर सिंह, आप लगातार चीख रहे हैं, ये अभद्रता कर रही है, जी जी मैं आपको सुन रहा हूँ, जी जूही जी अपनी बात रख लें, वो जूही जी अपनी बात रख लें, उसके बाद आप आपत्ति दर्ज करा लीजिएगा, वर्तमान में बोले जी, इतिहास नहीं, अभी 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 की बात है, सिर्फ समाजवादी पार्टी को इतिहास इतना भय क्यों लगता कभी, है आपका इतिहास इतना काला है, इतना कलंकित है, इतना भ्रष्ट है, सर जी इतना भ्रष्ट इतिहास है आपका, इतना आपराधिक चरित्र वाला इतिहास है आपका, अरे भाई इतना क्या चिंतित हो जाती है, श्री अनिल यादव जो है आपके लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष है, उनको क्यों बर्खास्त किया था, याद कर लीजिए, याद कर लीजिए कि श्रीमान शिवपाल यादव ने जिस तरह से जाति विशेष लोगों की भर्ती की थी उसके लिए हाईकोर्ट की क्या टिप्पणी थी, याद कर लीजिए विजय बहादुर सिंह जो समाजवादी पार्टी के ही तब एमएलसी थे, वो श्रीमान अखिलेश यादव के आ गए और कहा कि आपकी परीक्षा की भर्ती में एक जाति विशेष के लोगों को जबरदस्ती जो है पास कराया गया, तो अखिलेश यादव ने विजय बहादुर सिंह को जवाब दिया ये तो मैं करूंगा, और फिर जो है विजय बहादुर सिंह को कौन जाना पड़ा था, अब देखिए सब सुनने से क्यों घबरा रही है, क्यों घबरा रही है, इतना इतना डर किस बात का, इतना डर क्यों रही है जी जी, अभी तो मैं सिर्फ दो ही तीन उदाहरण दिया हूँ आपकी बात का, और ये सब बहुत पुराने उदाहरण, ऐसे किसी का मैसेज क्लियर हो नहीं पाएगा, जूही जी चलिए मैं महिमा जी का रुख कर लेता हूँ, क्योंकि ये फिर इस तरीके से आरोप प्रत्यारोपों का सिलसिला खत्म नहीं होगा, बोलूंगा ठीक है, ये जी की नीति है,
अनुराग जी जी की नीति है, कोई नीति नहीं है सर, कोई नीति नहीं है, सवाल मत उठाइए, आक्षेप मत लगाइए, ना 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 ना, ये कोई नीति नहीं है, ये कोई नीति नहीं है। तो किसकी नीति है भाई? जूही सिंह जी की एम्प्लॉय नहीं है, मेरी नीति है, मेरे लिए वो भी उतनी सम्मानजनक है जितने आप हैं। मुझे तो मैं सबके बीच में चिल्लाऊंगा तो आप मेरा नहीं, नहीं बिल्कुल, मैं आदर करता हूं आपका इसके लिए कि आप किसी के बीच में नहीं बोले, आप अपनी बात रखिए, मैं निवेदन करता हूं जूही जी। हाँ, तो मुझे उनको अपनी बात रख लेने देते एक बार। जी देखिए, लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष श्रीमान अनिल यादव को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इसलिए बर्खास्त किया कि उन्होंने जाति विशेष के लोगों उनकी नियुक्ति को भी गलत बताया था। छोड़िए ना प्रेम शुक्ला जी, मैंने तो आपसे सवाल ये पूछा था कि संसद सत्र सुचारू रूप से चल पाएगा क्या? विपक्ष के तेवर बहुत कड़े लग रहे हैं इस बार, सरकार को अगर काम करना है तो जवाब देना होगा। जवाब देने को तैयार है हम, जवाब देने को तैयार है, लेकिन जिस तरह से आज जूही सिंह हंगामा कर रही थी और मेरी बात जनता तक नहीं पहुंचने दे रही थी, उसी तरह संसद में विपक्ष जवाब सुनने की स्थिति में नहीं है, वो भाग खड़ा होता है। मणिपुर पर आदरणीय नरेंद्र मोदी जी संसद में खड़े हुए बोले, विपक्ष भाग गया, इनकी हिम्मत नहीं हुई कि बैठकर जो है उनसे जो है उनके सवालों का जो उन्होंने पूछा था उसका उत्तर जो आदरणीय मोदी जी दे रहे हैं तो उसको सुन सकता, इतनी भी हिम्मत नहीं हुई। तो विपक्ष की ये गैर जिम्मेदारी और मणिपुर पर हर बिंदु पर बिंदुवार गृह मंत्री जी ने भी और आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने बिंदुवार चर्चा की, और वो ये मुजफ्फरनगर की तरह नहीं था कि मुसलमानों को ही सिर्फ जो है। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है मणिपुर में जो हुआ, लेकिन प्रेम शुक्ला कह रहे हैं जब उस पर प्रधानमंत्री कुछ कहना चाहते हैं तो संसद से वॉकआउट हो जाता है। महिमा सिंह जी, सवाल ये है कि आप सवाल पूछेंगे, भारतीय जनता पार्टी कह रही है उसके जवाब भी दिए जाएंगे, बट अगर आप हंगामा करेंगे और वॉकआउट करेंगे तो फिर कैसे जवाब सुनेंगे और कैसे जवाब दिया जाएगा, क्या समझा जाए? मेरी डिबेट तो हो गई इस आरोप प्रत्यारोप में और इस हंगामे के बीच, लेकिन क्या संसद में हो पाएगी? इससे पहले कि आपकी बात के उत्तर पर आऊं मैं अनुराग जी, भाजपा के इन प्रवक्ता महोदय की या किसी भी प्रवक्ता की आप डिबेट्स उठाकर देख लीजिए, 99% डिबेट्स में आपको दिखेगा चर्चाओं में ये लोग बीच में बोलते हैं अभद्रता, और यही प्रवक्ता महोदय तो एक बार मेरे साथ व्यक्तिगत अभद्रता भी कर चुके हैं और इनके और प्रवक्ता भी, तो अभद्रता की बात इनके मुंह से तो ऐसी लगती है जैसे 900 चूहे खाकर बिल्ली हज को चली। अभी पहले जब हम पर्सनल मत होइए किसी से भी, मैं निवेदन कर रहा हूँ हर किसी से, पर्सनल आप ही करने जाइए, हम तो तीर्थ करने वाले हैं। मैं बता रही हूँ पर्सनल, मैं प्रेम शुक्ला बहुत संयमित रहे हैं आज, मैं उनका आदर करता हूँ, सम्मान करता हूँ, बड़ी तारीफ करता हूँ इस बात के लिए। अभद्रता मैंने कहा, पिछला रिकॉर्ड उठाकर देख लीजिए मौजूद है, मेरे डिबेट का रिकॉर्ड देखिए आप, पिछली डिबेट का मुझे नहीं पता, इस चैनल पर नहीं हुई होगी वो डिबेट, मेरे चैनल का अगर आप डिबेट का रिकॉर्ड देखेंगी तो किसी के साथ अभद्रता का आपको रिकॉर्ड मिलेगा नहीं। चलिए, मैं ये उम्मीद करता हूं कि संसद का सत्र सुचारू चले, माफ करना महिमा जी, समय खत्म हो चुका है, मुझे डिबेट यहीं वाइंड अप करनी पड़ेगी, लेकिन हम इसका एक्सटेंशन जरूर लाएंगे क्योंकि संसद का सत्र चलेगा तो जाहिर सी बात है कि हम उस पर चर्चा भी करेंगे। आज सभी मेहमानों का मैं बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहूंगा ताल ठोके में जुड़ने के लिए, उम्मीद यही करते हैं कि संसद का सत्र सुचारू रूप से चले, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता है तो टैक्स पेयर उसका सबसे ज्यादा सफरर होता है, सबसे ज्यादा नुकसान जनता को उसका भुगतना पड़ता है। Z News.